हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चना मसाला की रेसिपी। इसके लिए मैंने लिया है एक बाउल काला चना, जिसे मैंने 8 से 10 घंटे भिगोकर रखा है, और मैंने लिया है 3 कटे हुए प्याज, 2 टमाटर, 2 हरी मिर्च, धनिया की पत्तियाँ बारीक कटी हुई। मसाले में मैंने लिया है 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून जीरा और धनिया पाउडर, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, स्वादानुसार नमक और 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तड़के के लिए मैंने लिया है 1 टीस्पून साबुत जीरा, 1 पिंच हींग, 1 तेजपत्ता और 1 सूखी लाल मिर्च। अब हम सबसे पहले चने को कुकर में उबाल लेते हैं। चने को मैं डाल देती हूँ कुकर में। अब मैं इसमें डालूंगी ये जो मैंने प्याज काटा है, ये सारे प्याज मैं इसमें डाल दूंगी। और टमाटर, अब मैं इसमें अपने सारे मसाले डाल दूंगी, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, जीरा धनिया पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, स्वादानुसार नमक, और मैं इसमें लगभग 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दूंगी। अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। चने से थोड़े ऊपर हमें पानी डालने होंगे और इसे अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए। और अब हमें इसमें 2 सीटी लगानी है और इसे 8 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रखना है। कुकर की प्रेशर डाउन हो चुकी है, अब हम इसे ओपन करके देखते हैं। ये देखिए, सब कुछ बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है, प्याज और टमाटर अच्छे से गल गई हैं। और मैं चने को देखती हूँ, ये भी अच्छे से गल गई है। अब हम तड़के की तैयारी करते हैं। इसके लिए पैन गर्म करते हैं। पैन गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें लगभग 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देते हैं। ऑयल को गर्म कर लेते हैं थोड़ा। ऑयल गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें 1 पिंच हींग, साबुत जीरा डाल देते हैं और फिर तेजपत्ता और सूखी लाल मिर्च, और साथ ही साथ ये जो हमने हरी मिर्च रखी है वो भी मैंने डाल दी। अब हम इसमें ये जो मैंने मसाला प्याज और काले चने का ये बनाया है, इसे इसमें डाल देंगे। इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे थोड़ी देर हमें भूनना होगा, क्योंकि हम लोग चना मसाला विदाउट ग्रेवी बना रहे हैं, इसलिए इसके पानी को हमें ड्राई करना होगा। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, आप चाहें तो कुकर में डायरेक्ट भी बना सकते हैं, और कुकर में इसका पानी ड्राई करके आप इसमें तड़का लगा सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, आप इसे कुलचा, नान, चपाती, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। ऑलमोस्ट इसका पानी ड्राई हो चुका है, अब हम इसमें
थोड़ी सी कोरिएंडर लीफ डाल देते हैं और थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए छोड़ देते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और अब हम इसमें गरम मसाला पाउडर डाल देते हैं। इसकी फ्लेवर बहुत ही अच्छी आती है क्योंकि सारे मसाले कुकर में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं चने के साथ। अब हमारी ये रेसिपी बनकर रेडी है और मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और ये हमारा चना मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है। आपको यदि मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें, इसे लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।